और अब बात 11 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट की। जयपुर में करीब 11 साल पहले सीरियल बम ब्लास्ट केस की फैसले की तारीख करीब आ गई है। स्पेशल कोर्ट आज बम ब्लास्ट केस के सभी 8 मामलों का एक साथ फैसला सुनाएगी। सीरियल बम ब्लास्ट केस में इंसाफ, विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। गुलाबी नगरी के जख्मों का हिसाब। जी हां, करीब 11 साल पहले एक के बाद एक 8 धमाके से गुलाबी नगरी को लाल करने वाले अमन के दुश्मनों के खिलाफ इंसाफ की तारीख करीब आ गई। विशेष अदालत जल्द ही बम ब्लास्ट केस के सभी 8 मामलों में 5 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी। साहब ने मुझे बुलाया था और उन्हें बताया कि हम 18 तारीख को जयपुर बम ब्लास्ट के 8 केसों में फैसला देंगे। बम ब्लास्ट केस में 8 मामले थे और ढेर सारे गवाह, इसलिए फैसले की तारीख आने में काफी लंबा वक्त लग गया। इतने सारे गवाह थे और 8 केस थे तो ये नेचुरल था इतना टाइम लगना, हालांकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। विशेष अदालत बम ब्लास्ट केस में जिन आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाने जा रही है वो आरोपी हैं मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद सैफुर रहमान। बम ब्लास्ट के इन 5 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था और एक आरोपी आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा था, जबकि 2 आरोपी बटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन 3 आरोपी मिर्जा शादाब, साजिद बड़ा और मोहम्मद खालिद अभी भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। आइए अब आपको बताते हैं किस तरह 11 साल पहले आतंकियों ने 8 सीरियल बम धमाके से गुलाबी नगरी को लहूलुहान कर दिया था। गुलाबी नगरी हर रोज की तरह अपने रफ्तार पर चल रही थी। इस बात से अनजान कि अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने 11 आतंकी शहर में दाखिल हो चुके हैं और फिर शाम के करीब 7:05 पर अचानक माड़क चौक पुलिस थाने के पास जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद जैसे ही आग और धुएं का गुबार छटा तो हर तरफ चीख पुकार मच गई, सड़कें लहू से लाल हो गईं। लेकिन इस धमाके के बाद शहर के बाशिंदे संभल पाते। उससे पहले एक के बाद एक लगातार 7 और बम धमाकों से गुलाबी नगरी पूरी तरह से तहल उठी थी। इन सीरियल ब्लास्ट में करीब 72 लोग मारे गए थे जबकि 188 से ज्यादा लोग पूरी तरह जख्मी हो गए थे। आइए अब आपको बताते हैं आतंकियों ने जयपुर जख्मी करने के लिए कहां कहां बम धमाका किया था। पहला बम ब्लास्ट माणक चौक थाने के सामने हुआ। दूसरा बम का धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुआ। तीसरा बम ब्लास्ट सांगानेर हनुमान मंदिर के पास हुआ। चौथा बम धमाका जौहरी बाजार में हुआ था। पांचवा बम ब्लास्ट फूल वालों का खंदा और बड़ी चौपड़ में हुआ। छठा बम धमाका सरगासूली और त्रिपोलिया बाजार में हुआ था। सातवां बम ब्लास्ट छोटी चौपड़ और फूल वालों का खंदा में हुआ था। और आठवां बम धमाका कोतवाली थाने के सामने और छोटी चौपड़ में हुआ था। 11 साल पहले बम धमाकों से लहूलुहान हुई गुलाबी नगरी के जख्म आज भी ताजा हैं। हालांकि बम धमाके में मारे गए 72 लोगों के परिवारों के इंसाफ का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। विशेष अदालत अब बेगुनाहों को मौत देने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ जल्द फैसला देने की तारीख जो मुकर्रर कर दी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। करीब 11 साल बाद जयपुर को आज इंसाफ मिलने जा रहा है। जयपुर बम ब्लास्ट केसेस की विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा आज फैसला सुनाएंगे। ग्यारह साल पहले 13 मई 2008 को गुलाबी नगरी में हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट में विशेष अदालत
आज अपना फैसला सुनाएगी। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा सभी 8 मामलों में एक साथ फैसला सुनाएंगे। अदालत के गठन के बाद उनकी यहां 12वें जज के रूप में पोस्टिंग हुई थी। अजय कुमार शर्मा प्रथम जिला और 17 न्यायाधीश मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। 18 जनवरी 1960 को हुआ जन्म। शिक्षा LLB LLM। 8 फरवरी 1996 को बने जज। 28 मई 2002 को सीनियर सिविल जज कैडर मिला। 21 अप्रैल 2010 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैडर मिला। 6 अक्टूबर 2018 को बम ब्लास्ट केसेस की विशेष अदालत में पोस्टिंग हुई। नियमित सुनवाई करते हुए मामले में आज फैसला सुनाएंगे। 31 जनवरी 2020 को रिटायर होंगे। इस पूरे मामले में करीब 11 साल से ज्यादा समय तक सुनवाई चली। इस दौरान यहां 12 जजों की पोस्टिंग हुई। अदालत के गठन के समय यहां सबसे पहले जज चंद्रशेखर आजाद को पोस्टिंग दी गई। उसके बाद 6 जजों को यहां नियमित पोस्टिंग दी गई। वहीं शेष 6 जजों के पास इस कोर्ट का चार्ज रहा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। गुलाबी नगरी को दहशत का दंश देने वाले 5 आरोपियों को लेकर आज जयपुर बम ब्लास्ट केस की सुनवाई कर रही विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से एक लखनऊ और बाकी 4 आजमगढ़ के हैं। सुनाएगी। वहीं इनके अलावा 2 आरोपी बाटला एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं 1 दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तो ये कवरेज हमारी जारी है और बताएंगे आपको क्या फैसला आज सुनाया गया। कुछ ही देर बाद ये फैसला भी आ जाएगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंवर पुष्पेंद्र सेशन कोर्ट के बाहर से, दीपक व्यास चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर से, राकेश गुसाई कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास मैं आऊँगा, तीनों के पास, और चर्चा शुरू करेंगे। बात शुरू करूँगा मैं आपसे कुछ ही